नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं ललित जांगिड। सबसे पहले सुर्खियां। पूर्णाहुति के साथ 121 कुंडीय महायज्ञ का हुआ समापन। नवनिर्मित शनि मंदिर में शनिदेव की हुई प्राण प्रतिष्ठा। जिला कलेक्टर ने किया बांध व टनल का निरीक्षण। जाने हालात, मौके पर दिए निर्देश। शिव मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने किया अतिक्रमण। लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ में सिंधी समाज ने मनाया शहीद कालानी का शहादत दिवस। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। भवानी मंडी में भी सिंधी समाज ने मनाया शहीद कालानी का शहादत दिवस। हॉस्पिटल में मरीजों को किए फल वितरित। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। डग क्षेत्र के प्राचीन और ऐतिहासिक तीर्थ श्री काया परमेश्वर महादेव मंदिर क्यासरा में नवनिर्मित श्री शनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 121 कुंडात्मक महायज्ञ पूर्णाहुति के साथ नवनिर्मित शनि मंदिर में शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के दूर दराज के इलाकों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया तथा इस अवसर पर महाभंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। कानून व्यवस्था के लिए डग, उन्हेल और गंगधार थाने का जाप्ता तैनात रहा। छिपा बड़ौत के मोखमपुरा के पास बन रही टनल और परवन बांध स्थल का जिला कलेक्टर इंद्र सिंह ने निरीक्षण कर कार्य को देखा। मुख्य टनल गुंदलाई गडारी के पास कार्य के नक्शे को गहनता से देखा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि टनल के निर्माण में आने वाली ब्लास्टिंग के समय आसपास की आबादी के ग्रामीणों को कोई नुकसान न हो, ऐसी व्यवस्था की जाए। इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय पंचायत के साथ मिलकर मकानों की वीडियोग्राफी करवाने के लिए कहा। यहां करीबन 9 किलोमीटर टनल का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिला कलेक्टर के साथ SPR सिंह भी मौजूद रहे। परवन बांध स्थल पर नींव की गुणवत्ता को देखा और टनल के बांध वाले छोर से 3 किलोमीटर खुदाई हुई टनल का निरीक्षण किया। यहां विद्युत से लेकर बाहरी हवा को टनल में कार्य करने वालों के लिए एयर सिस्टम से लाया गया था। टनल के आंतरिक कार्य छोर पर कलेक्टर और SP ने खुदाई कर रही मशीन को चलाकर देखा। इस समय सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए हेलमेट पहन रखे थे। जिला कलेक्टर ने बांध के पास ही बन रहे विद्युत थर्मल में पानी के लिए इंटेल वेल को भी देखा। यहां से पाइपलाइनों के जरिए पानी विद्युत कारखाने में पहुंचाने की योजना है। पानी पहुंचाने के पाइपों की खुदाई से लेकर पिल्लरों का कार्य यहां तेज गति से चलाया जा रहा है। हालांकि बांध के सभी कार्यालय झालावाड़ जिले के अकावद में संचालित है। निरीक्षण के पश्चात DASP खानपुर से 12 निकले। इस निरीक्षण में SDM रामावतार बरनाला समेत सिंचाई विभाग के अधिकारी और निर्माण का कंपनी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अमलावदा आली पंचायत की सरपंच अनीता मीणा ने टनल निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आई दरारों से खतरे की आशंका व्यक्त की। वहीं किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सिद्दीक भाई ने भी इस क्षेत्र में हो रही ब्लास्टिंग से मकानों में आई दरारों की बात को स्वीकारा और सर्वे की मांग की।
मंदिर निर्माण व अतिक्रमण को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भगवान शिव के मंदिर पर असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर रखा है और ये मंदिर लगभग 200 वर्ष पुराना बताया जाता है। कामा कस्बे के कामा भंडारे में करीब 200 वर्ष पूर्व भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया गया था। फिलहाल में वह मंदिर जमीन से नीचे पड़ गया है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने मंदिर निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिस पर कुछ असामाजिक तत्वों ने अतिक्रमण कर निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए अवैध रूप से कब्जा कर लिया। इसी बात को लेकर ग्रामीणों में झगड़ा हो गया और कामा व जुरहरा पुलिस सूचना पर पहुंची और समझाइश कर मुकदमा दर्ज कर निर्माण कार्य रुकवाया। लेकिन आज तक निर्माण कार्य बार बार शिकायत करने के बावजूद भी शुरू नहीं हो पाया है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने आज कामा उपखंड अधिकारी को निर्माण कार्य व अतिक्रमण हटवाने के लिए ज्ञापन दिया। ग्रामीणों की मांग है कि हमें ईश्वर की भक्ति व पूजा पाठ के लिए मंदिर में मूर्ति की स्थापना, मंदिर निर्माण की स्वीकृति और वहां पर जो अतिक्रमण किया हुआ है उस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। ज्ञापन देने वालों में गोपाल प्रसाद बघेल, ग्यारसी राम, सावर राम, सीताराम, निरंजन पंडित टैंकर वाले, हुकमचंद सहित अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। हमने हमारा जो मंदिर है बहुत पुराना शिव मंदिर है, कम से कम 300-400 साल पुराना है और उस पर जारी हमारी पूजा पाठ उसी दिन से जारी चली आ रही है। बीच में हमको धोखा दे करके उन लोगों ने बहका करके उस मंदिर को हमने जैसे नीचा पड़ गया उसका निर्माण करने के लिए हमने जैसे योजना बनाई उन्होंने बहका करके उस मंदिर को हमारी मूर्ति हटवा दी वहाँ से। और मूर्ति हटवाने के बाद में जब वो मूर्ति हमने वहाँ से हटाई और उसको ऊंचा किया तो उसमें फिर दोबारा से हमारी मूर्तियों को वहाँ नहीं पधरन दिया। हम आप सभी अफसरों से भी निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि अगर हमारी इस पर हमने कई बार पुलिस को भी सूचना दी है, अधिकारियों को भी दिए, लेकिन हमारी आज तक कोई कार्रवाई किसी ने भी नहीं सुनाई दी। और अब हम फिर भी इसी बात को निवेदन बार बार करके हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जी हमारी पूजा पाठ वहाँ करवा दी जाए, चाहे आगे कोई निर्माण मत हो लेकिन जो पूरी बस्ती की पूजा पाठ बंद हो रही है उस पर थोड़ा मेहरबानी करके उसकी पूजा करवाई जाए। और आपसे निवेदन है हमारा, आज दिनांक 21/1/2019 को सिंधी समाज झालावाड़ के तत्वाधान में गढ़ भवन में स्थित पार्क में शहीद कालानी के शहादत दिवस पर सुबह 11:30 पर शहीदी दिवस का कार्यक्रम सिंधी नवयुवक मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र ममतानी के द्वारा रखा गया। इस अवसर पर सिंधी पंचायत झालावाड़ के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और कालानी के साथ ही देश के अमर शहीदों को याद किया, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर दौलत राम खत्री प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने कहा कि हमें देश के प्रति उनके बलिदान को याद रखना चाहिए। देश की आज़ादी के नायकों में शुमार सिंधु नायक हेमू कालानी की शहादत अविस्मरणीय रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शिवराज सेना और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े संघर्ष का हिस्सा रहने वाले कालानी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जमकर लोहा लिया। देश के वीर सपूतों में उनका भी योगदान स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यह बात गोपाल दास माधवानी संभाग प्रभारी भारतीय सिंधु सभा द्वारा बताई गई। सिंधी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेश बटवानी ने बताया कि हिंदू समाज के वीर सपूत शहीद कालानी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कार्य करने पर 21 जनवरी 1943 को फांसी की सजा हुई थी। शहीद कालानी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन व सुभाष चंद्र बोस की स्वराज सेना के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। इसके बाद क्रांतिकारियों के विरोध का दमन करने के लिए रेलगाड़ी में मंगाए जा रहे हथियारों के जखीरे को रोकने के लिए पटरी की फिश प्लेट हटाते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्हें क्रांतिकारी मूवमेंट के लिए सखर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। उनके योगदान के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंध जाकर शहीद कालानी की मां को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। सिंधी समाज झालावाड़ के कैलाश काशवानी, सुरेश लालवानी, दिनेश मीरचंदानी, मिनल लालवानी, झम्मट खत्री, अनिल जेसवानी, अशोक जेठवानी, हितेश थदानी, मुकेश लालवानी, सुनील चंचल, श्यामलाल खत्री, रमेश हरपालानी, भारती काशवानी, महेंद्र मखीजा, धर्मेंद्र खत्री, विशाल पुरुषवानी, मनोज रत्नानी, कुशाग्र जेठवानी, अजित सिंह काशवानी आदि ने पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अंत में पूज्य सिंधी पंचायत के मुखी खेराज काशवानी द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कराकर कार्यक्रम का समापन किया गया।
देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज पिछोर नगर पंचायत में कुछ कम ही नजर आए। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राकेश सिंह के निर्देशन में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा था, जिसमें मात्र 5 कार्यकर्ता नजर आए। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल देखने को मिला, जिसके कारण अंतिम समय में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुतला दहन करने के लिए स्थान परिवर्तन करना पड़ा। इस संबंध में हमारे डबरा संवाददाता हेमंत पंडा ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल जैन से बात की। उन्होंने बताया, बीजेपी कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या के संबंध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन रखा गया है। आज का जो कार्यक्रम है, ये हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मेन, जब से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, जब से हत्याओं का कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ है, और उसी कार्यक्रम में हमारे बड़वानी जिले के एक मंडल अध्यक्ष हैं मनोज ठाकरे जी, उनकी भी अभी कल हत्या हुई है। उससे पहले नगरपालिका अध्यक्ष मंसूर, उनकी भी हत्या हुई है। तो हम लोगों का यही है कि ये जो भी हत्याएं हो रही हैं, उनकी जांच की जाए, उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, और कांग्रेस सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ये हत्याएं जो भी हो रही हैं, चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो रही हैं या जिस भी तरह से हो रही हैं, उनका आरोप लगाया जाए, उनकी जाँच की जाए। मंदसौर के जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं, उनकी जो हत्या हुई है, उसमें बीजेपी का कहता का हाथ है, किस समझ का कहना है? हमारा कार्यक्रम ये भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में 12 से 2 बजे के बीच पुतला दहन का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने आज पिछोर मंडल में मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी का पुतला दहन किया है, और मांग की है कि जो भी हत्यारा हो, उन्हें पकड़े जाए और निष्पक्ष उसकी जाँच की जाए। भवानी मंडी सिंधी समाज द्वारा शहीद कालानी का शहादत दिवस मनाया गया। इस दौरान कृष्ण झूलेलाल मंदिर पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर शहीद कालानी की शहादत को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं नंदकिशोर नरसिंघानी, जितेंद्र बलवानी उर्फ नटवर ने बताया कि समाज के लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को फल वितरण किए गए। इस दौरान समाज के लोग मौजूद थे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।